ऐसा है कि उच्च शिक्षा का विकास करने के लिए उत्तर प्रदेश को उच्च शिक्षा का हब बनाने के लिए और अपने प्रदेश के छात्र अपने ही प्रदेश में उच्च शिक्षा का अध्ययन करें, दूसरे प्रदेशों में न जाएं, भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार ने एक तो प्राइवेट विश्वविद्यालयों को प्रमोट करना और अपने सरकारी विश्वविद्यालयों की स्थापना हमारे संकल्प पत्र था कि हर मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय अवश्य होगा, तो 6 सरकारी विश्वविद्यालय बने हैं जो 6 मंडल अछूते थे, उनका नाम रखा गया था, उसमें राज्य शब्द जुड़ा हुआ था, जैसे महाराज सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़, उत्तर माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय बलरामपुर, तो इन सब में राज्य हटाकर शॉर्ट करने के लिए उनका नाम माँ शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय सहारनपुर, महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़, माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर, माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर, यह करने का प्रस्ताव पारित हुआ है। और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का नाम गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि हम अपने आदर्शों को अपने संस्कृति के जो विरासत है उनको उनके नाम से रखते हैं तो संस्कृति और सभ्यता का उन्नयन भी होता है और जीवंत भी होती है, आने वाली नस्लों को हम सौंपते हैं। तो पहला प्रस्ताव तो ये गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, जम्भेश्वर वहाँ के प्राचीन, हाँ वहाँ पे बहुत आस्था है, वहाँ के निवासियों की, इसमें प्राचीन मंदिर भी है और वहाँ के लोग इनसे सांस्कृतिक रूप से चेतना भी प्राप्त करते हैं। ऐसे ही 2 निजी विश्वविद्यालय को मान्यता, इसमें लेटर ऑफ इंटेंट देने का प्रस्ताव पारित हुआ है, जिसमें एक तो है HRIT गाजियाबाद और दूसरा है फ्यूचर विश्वविद्यालय बरेली, ये दोनों ने अपने सभी मानक पूर्ण कर लिए हैं और सभी विभागों के अभिमत प्राप्त इनके अनुकूल हो गए, इसलिए ये 2 नए विश्वविद्यालय खुलेंगे। और जब नए विश्वविद्यालय खुलते हैं तो शिक्षा में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, गुणवत्ता भी बढ़ती है, तो ये प्रस्ताव आज पारित हुआ। माँ शाकुंभरी राज्य विश्वविद्यालय सहारनपुर, महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय का नाम महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय आजमगढ़, माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर जो अब वर्तमान नाम हो जाएगा, माँ पाटेश्वरी देवी विश्वविद्यालय बलरामपुर, गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय तो बताई दिया आपको जी। बहुत बहुत धन्यवाद।